मुझे किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम ले दें, मैं आपको लेके जाऊंगा उस यूनिवर्सिटी में, मुझे गेट से एंटर करवा दें और मैं हाँ आपको 4-5 मिनट के अंदर ढूंढ के दे सकता हूँ। टेरेबल मैं हर रोज सिचुएशन, सुबह उठता था एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज के मैंने हाउ टू गेट पैसे द कहाँ, ड्रग। हाउ टू गेट द ड्रग। इफ माई फादर हैड डाइड एट दैट टाइम, अल्लाह ना करे, और मैं सुबह उठता और मुझे ये न्यूज़ मिलती, मुझे उनकी फिक्र ना होती, मुझे पहले ड्रग की इतनी होती। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को समझा ही नहीं जाता कि बच्चा बोर हो रहा है इसको टीवी लगा के दे दो, ठीक है, ये नहीं देखेंगे टीवी पे देख क्या रहा है, ठीक है। उससे आपको पता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड की सारी मूवीज सिगरेट्स पे, अल्कोहल के इर्द गिर्द और सेक्सुअल चीज़ों के इर्द खासतौर पे गिर्द, हीरो के साथ हीरो के एसोसिएट किया साथ जाता है, एसोसिएट राइट? किया जाता है कि वो अगर आ रहा है तो गाड़ी से उतरा है, हाथ में सिगरेट है, या फिर अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्कार फेस की एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गॉडफादर की एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ये मूवीज़ मैं इसलिए मैंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये हैवीली बेस्ड ऑन ड्रग्स है, ठीक है। अब स्कार फेस में कोकेन स्निफ कर रहा है, ठीक बिल्कुल है, जो हीरो है, तो क्या लुक एट इम्प्रेशन पड़ता है दिस हमारी सोसाइटी को। असल से पहली इंस्पिरेशन जो थी मेरी मूवीज से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद मेरे ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे दोस्त थे जो स्मोकिंग वगैरह करते थे, मैंने कहा इट इज़ नॉर्मल थिंग, ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, सारे कर रहे हैं, तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। मैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्मोकिंग स्मोकिंग, अब ये और सबसे क्यूरियोसिटी से, यस, जी है ना? क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी और पीयर प्रेशर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वेरी हैं कि वेरी किस तरह के आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको ग्रेटली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ए मैन इज़ नोन फ्रॉम ए कंपनी ही कीप्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे भी बहुत दफ़ा समझाई गई थी उस टाइम पे, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली मैं यंग था, मतलब एज ऐसी थी, सिगरेट पीना इज वॉज अ नॉर्मल थिंग, तो मेरे मूवीज़ देख देख के मेरा माइंड इस तरह से बन चुका था कि मुझे लगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, तो इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फिर बात आगे गई चर्च पे, ठीक है, मैंने चर्च पीना शुरू कर दी। और सबसे वियर्ड बात मैं आप लोगों को बताऊं कि गवर्नमेंट स्कूल की कैंटीन है और कैंटीन के अंदर बैठ के ओपनली जो जो साहब है, कैंटीन वाले होते थे वो हाँ, बैठ के चर्च पी रहे होते थे, तो मैंने कहा यार मुझे भी ट्राई कराओ, ऑब्वियसली मैं सिगरेट पे हूँ, तो उन्होंने मुझे ट्राई कराई पहली दफ़ा। मतलब मैंने उनसे पूछा क्या है, तो कहते हैं चर्च है, मैंने कहा ठीक है चर्च है, ट्राई कर लेता हूँ। अब मेरा इतना बोल्ड होने का रीज़न क्या था, वो ये था कि मैं मूवीज से ऑलरेडी इंस्पायर हो गया था। अब आप एक बच्चे की एग्जाम्पल लें जो कि बड़ा हो रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, लेकिन अगर वो जब बड़ा हो रहा है वो टीवी ड्रामास मूवीज वो हॉलीवुड इनपुट ले बॉलीवुड रहा है, राइट? हाँ इनपुट ले रहा है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। यूनिवर्सिटी में अब एग्जाम्स आए फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं आई वाज ऑन हीरोइन, ठीक है। अब हीरोइन किस तरह स्टार्ट की, मैं बैठा हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी में, सो लाइक हीरोइन बैट इज बेसिकली टॉप ऑफ द टॉप लाइन, ऑफ द लाइन, बिल्कुल और ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है जी। जो कि हीरोइन तक पहुंच चुका है। और मैं पहुंचा किस तरह हूँ कि आई वॉज सिटिंग ऑन ए बेंच एंड अ गाय केम टू मी और हम बैठ बैठ गया मेरे साथ आके, वो मेरी क्लास में नया आया था, तो उस टाइम पे अब मेरी आप देखें क्यूरोसिटी का लेवल इतना बिल्ड हो चुका था कि उस मतलब पीक पे था बिल्कुल। उस बंदे ने मुझे बताया कि आई हैव समथिंग फॉर यू ना, मैं मतलब रैंडम बैठे हुए, मैंने कहा क्या है, मैं ऐसा ना, तो कहता है इट मतलब सुकून मिल जाएगा तुम्हें, बस सिर्फ उसके ये अल्फाज थे कि सुकून मिल जाएगा तुम्हें। अब दीन से दूरी का आप आलम देख ले मेरा, कि मतलब मेरी ज़िंदगी में इतनी बेसुकूनी थी कि उसके सिर्फ ये तीन अल्फाज के सुकून मिल जाएगा तुम्हें, मुझे उसके साथ खींच के ले गई। पैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती थी इतनी, घर से वैसे पैसों का कोई इशू नहीं था, लेकिन मेरी सेहत जो दिन ब दिन डाउन हो रही थी वो घर में आइडिया हो रहा था लेकिन कि यार दिस एडिक्शन इज दिस एडिक्शन इज रियल, पता है? कुछ चीज़ें होती हैं आप की हैबिट्स होती हैं ना जिंदगी में, वो हैबिट्स आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो ड्रग्स की एडिक्शन होती है ना, ये साइकोलॉजिकल भी होती है और फिजिकल भी होते हैं। एंड अगर आप छोड़ते हो ना, तो आपको वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और वो जी इतने शदीद होते हैं, आप मुझे बताओ कि उसको पूरा करने के लिए, अपनी वो ड्रग तो को अब पाने के लिए इंसान किस लेवल तक जा सकता है? भाई मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने छोड़ी ना, मतलब छोड़ी तो नहीं, मतलब मुझे मिली नहीं एक दिन, मुझे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि इसके विड्रॉल्स होते हैं। एक अच्छा दिन क्या हुआ, सैटरडे संडे आया तो मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, मैं सो के उठाऊँ मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया, मेरे नाक से पानी आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई। आपने मूवीज़ वगैरह में और ड्रामास वगैरह में या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज अगर देखी हो तो वो लोग कांप रहे होते हैं, बिल्कुल, बैठे होते हैं और बस कह रहे होते हैं एक पूड़ी या एक चीज़ मुझे ला के दे दो, डिट्टो डिट्टो मेरी वो कंडीशन थी, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, ठीक है। और मैं ऐसे यूँ मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे थे कि बस मैं मर जाऊँगा अगर मुझे ना मिली, और मतलब ये प्राइस मैं पे कर रहा था। सिंस पीपल डोंट नो यू एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग, किस जी हद तक आप गए इसको लेने के लिए या आपके जानने वाले गए? मैंने चीज़ें बेची, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके चीज़ें बेची, लैपटॉप था एक वो बेचा,
मैंने घर से पैसे चोरी किए, ठीक है, और अच्छे खासे अमाउंट में मैंने पैसे चोरी किए। ये बात की बात है, मैं 3 दफ़ा इस चीज़ पे ऑलमोस्ट लग चुका हूँ रिहेबिलिटेशन कराने के बाद। अब जो रिहेबिलिटेशन कराई है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन थी मेरी जो 5 मंथ्स की थी। पहले मैं सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करवाता था और वापस आ जाता था। टोटल 2 दफ़ा मैंने डिटॉक्सिफिकेशन कराई, बट देयर वाज नो यूज़। अपने बाप और माँ के पैसे भी चोरी करने के लिए रेडी होता है, ये इतनी बड़ी जो है ना। मैं तो समझता हूँ कि इंसान ना किसकी जान भी ले सकता है। इमेजिन द सिचुएशन ही इज टेलिंग कि वो रनी नोज और वो सारी चीजें ना, यू नो इट्स अ टेरिबल। मैं हर रोज सुबह उठता था एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज के मैंने पैसे कहाँ, हाउ टू गेट द ड्रग। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इफ माय फादर हैड डाइड एट दैट टाइम, अल्लाह ना करे, और मैं सुबह उठता और मुझे ये न्यूज़ मिलती, मुझे उनकी फिक्र ना होती, मुझे पहले ड्रग की फिक्र होती। मैं उठता, मैं घर से बाहर जाता, पहले ड्रग लेता, एक सिगरेट पीता या स्निफ करता, उसके बाद मुझे होश आता, हाँ माय फादर इज गॉन। और आपकी लाइफ का जो पूरा जो मकसद है ना वो ड्रग बन जाता है। जब तक आपके पास ड्रग नहीं, आपका दिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, यू कैन नॉट परफॉर्म। सेल्फिशनेस कितनी ज्यादा क्रीप इन करती है ये आपको, कि मैंने अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, पूरी दुनिया जब हार में मैंने अपने। आई एक्चुअली नो अ गाय हु डिड दिस, यू नो, उसके हिज फादर डाइड एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। द फर्स्ट थिंग व्हेन ही वोक अप ही गॉट होल्ड ऑफ द ड्रग, ही स्निफ्ड इट एंड देन ही डिड एवरीथिंग एल्स। यू कैन नॉट एक्चुअली परफॉर्म ना, ही इज राइट। आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप नहीं कोप कर सकते। और तो भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था, मैं सो के उठता था, मैं पैसे कब चोरी करता था, किस तरह, मुझे बस होता था कि मैंने पैसे अपनी मदर के पर्स से निकाला, ये मेरा गोल होता था। और ऑलमोस्ट 130,000 150,000 जो हैं वो मैंने ड्रग के ऊपर ये वेस्ट की, अलग मेरी पॉकेट मनी अलग मिलती थी मुझे, और मतलब बेची अलग, वो मतलब आगे पीछे लोगों से उधार लेना, मतलब मैं एक किस्म का बिल्कुल जलील हो गया था, ख्वार हो गया था इस चीज़ की।